सिंगरौली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिंगरौली प्रशासन ने बाहर से आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है और पुलिस को इस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली में कोरोना वायरस के बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने जयंत सीमा पर यूपी से लगे चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बिना अनुमति के दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमाओं पर अन्य रास्तों से आने वालों पर भी पुलिस अधिकारियों को नजर रखने को कहा। नेहरू चिकित्सालय जयंत में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखभाल में अव्यवस्था पर कलेक्टर ने एनसीएल प्रबंधन और नेहरू चिकित्सालय को निर्देशित किया गया है कि प्रशासन द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पालन करें और व्यवस्था को बनाए रखें। सबके अपने अपने रोल हैं, अपना रोल अपना किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, तो सभी क्योंकि यहाँ मेजर इंडस्ट्रीज हैं, सभी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और उसमें जो कोरोना के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।